फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम बनाएंगे नवरात्रि व्रत स्पेशल समा के चावल की खिचड़ी। और सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी मैं सभी के लिए कामना करती हूँ। और फ्रेंड्स, जो भी आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक भी करना, क्योंकि दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट और हेल्प की बहुत। कुकर के गर्म होने के बाद उसमें डाल दिया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, या फिर आप घी भी डाल सकते हैं। व्रत में सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब डालेंगे उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग। इन सब के ब्राउन हो जाने के बाद उसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को मैंने छिलका उतार लिया था पहले। अब डाल देंगे उसमें हरी मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार, और ये आलू हैं जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए थे, ये भी इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से चला देंगे। और उसमें डालेंगे नमक, गरम मसाला और धनिया। इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो हमारे चावल थे मैंने उनको पहले साफ करके भिगो के रख दिए थे, वो हम इसमें डाल देंगे। और अब अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। देखिए हमारे चावल मसाले में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब मैं डालूंगी उसमें पानी। ये मैंने जितना चावल लिया था उसी का 3 गुना पानी लिया है, जिससे कि चावल अच्छे से पक जाए। और कुकर का ढक्कन लगाकर एक सीटी लगा लेंगे। सीटी के निकलने के बाद हम कुकर को खोल लेंगे। ये देखिए हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है, और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में भी टेस्टी लगती है। ये देखिए मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। देखिए कितनी खिली खिली और बढ़िया बनी।